खोवादा तेरा मेरा जन्मो का गोरी 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 गोरी। ये गाना ना मुंह पे चढ़ गया है इतना, अगर आप 90s से हो ना तो आप बिल्कुल जानते होगे। ये गाना बैंड ऑफ बॉयज का है, फिर से रियूनियन का। 90s में जब हम लोग कॉलेज में थे, स्कूल में थे, तब ये बड़ा फेमस बैंड हुआ करता था। तो अभी फटाफट हम लोग जा रहे हैं हमारे मीटिंग पॉइंट पे, जो कि है नासिक फाटा फ्लाईओवर, और वहाँ से हम निकलेंगे आज मालसेज के लिए। A few moments later. अभी रेड दिखा रहे हैं मालसेज गार्ड। बापरे, पब्लिक क्या सुबह से पहुंच गई। चलो चलते हैं, हम देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, बोल रहे हो कि अब से बोल रहे हो? आप तो बस आपकी एक्टिंग करी है। बोले जो देख रहे वीडियो उनसे बोल रहे हैं, हमसे बोल रहे हो? बोले आपकी एक्टिंग करी है। आप लोड मत लीजिए। इंटरकॉम में, इंटरकॉम में मैं बोलता हूँ अपना, अभी हुआ ये मजा, हम लोग वहाँ पे गए थे क्या, महाबलेश्वर के आगे तपोला, बारिश हो रही है फुल, और एकदम मैं ना एकदम मजे में बोले जा रहा हूँ यूट्यूब में सभी के लिए कि इतना बढ़िया रास्ता है, मैं तो इस रास्ते में पूरा दिन घूमू। इंटरकॉम में ये बोलते हैं, अबे साले कहाँ हालत खराब हो गई, बारिश में आ रहे हैं, जब से बारिश बंद नहीं हो रही है तुम बोल रहे हो मैं चलता रहूं चलता रहूं। इससे बात करने की हमसे बात। चलो निकला जाए फटाफट, अभी का टाइम हो चुका है 6:31 और हम जा रहे हैं मालसेज। मालसेज यहाँ से टोटल है 116 किलोमीटर, 9:04 बता रहा है कि हम पहुँच जाएंगे, 2 hours 33 minutes टोटल बता रहा है। राइड काफ़ी दिन हो गए कि मतलब हर दिन जब भी पहले निकलते थे ना राइड पे, भयंकर मॉनसून राइड हो रही थी। आपसे मैंने बोला था काफ़ी टाइम पहले जब व्लॉगिंग स्टार्ट की थी 5 months पहले, कि भाई साहब मैं ना मानसून के सारे प्लेसेस कोशिश करूँगा कवर करने का, तो ना ऊपर वाले ने वो कौन सी घड़ी थी सुन ली, ले भाई बारिश ही बारिश मिलेगी तेरे को, फुल घूम मानसून में। तो आज थोड़ा सा मौसम खुला है, फर्स्ट डे आज की राइड पे इतने दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि मौसम खुला है। आगे चल के देखते हैं हम लोग मौसम कैसे मिलता है। भाई साहब बड़ा तगड़ा ट्रैफिक लगा हुआ है बहुत दूर तक, अभी थोड़ी ऑफ रोडिंग करके सोचा निकल ले हम लोग। बट इधर भी जगह नहीं है, खतरनाक ट्रैफिक था भाई, खतरनाक। सुबह सुबह अगर आपकी राइड ऐसे ट्रैफिक से स्टार्ट होना तो एकदम ऐसा लगता है भाई कि 4 निकल जाते ना तो सही था। और अब एक ब्रेक लेते हैं बढ़िया सा कहीं, तो हाँ आराम से 35-40 खाया है ट्रैफिक ने। चलो अल्फा है ना? अच्छा ये अल्फा है, अल्फा मैड डॉग, मैड डॉग अल्फा। ये है LS2 ALU केस, बढ़िया दिख रहा है। चलो हायाबुसा थी, हायाबुसा बड़े दिनों बाद हमारी राइड्स पे धूप दिख रही है हमको, सूर्य देवता एकदम पूरे बोले तो जितने बैक्टीरिया और वायरस मारते हुए। बढ़िया सा लग रहा है एकदम मस्त। और हम रुके हैं यहाँ पे गीतांजलि फैमिली शुद्ध शाकाहारी मटकी भेल स्पेशल मिशल, अपन तो लेकिन वड़ा पाव ही खाएंगे, एक प्लेट में 2 वड़ा पाव खा लो यार, भूख तो लगेगी। ठीक है, 3 प्लेट वड़ा पाव कर दो और चाय जल्दी से, है ना? हाँ, इसी के लिए तो आते इतनी दूर हम। ये बात क्या सर, मुंह ना जल जाए, पिछली बार मेरा मुंह जल गया था वड़ा पाव खाते खाते। गरम था क्या सर? ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है। ये क्या सारी पीनी है? क्या आशुतोष भाई इतनी सारी चाय पियोगे? नहीं नहीं। हाँ चीयर्स, आओ भाई यही चीयर्स कर पाते हम तो बस, चीयर्स। ओ भाई जाम छलक गया ना, लुक्स तो अच्छे दिख रहे हैं चाय के। मैं तो देखा है, 6.5 का दिखा रहा था, 6.5 का एवरेज। बाप रे,
नहीं वो सर के राइडिंग स्टाइल के कारण होगा, इतना कम नहीं होना चाहिए। नहीं देखिए सर हुआ क्या है, जैसे अपनी इंटरसेप्टर है ये, इसका टॉर्क कर बहुत जल्दी अचीव होता है, मतलब 3500 RPM पे 80% टॉर्क जो 52 Nm में मिल जाए, तो आपको हल्का सा एक्सीलेटर देने की देर है, गाड़ी ऐसे पावर से भागती है। लेकिन ये जो है ना परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक्स हैं, इसको स्लो में पावर नहीं आएगा आपको, हाई आरपीएम गाड़ी है, मिड में और हाई आरपीएम बाइक्स हैं, इनको आपको एक्सीलेटर देना पड़ेगा तभी पावर आएगा इसका। गजब बेच जाती है, गजब। फाइनली आफ्टर क्रॉसिंग 20-25 किलोमीटर्स ऑफ सिटी, भयंकर ट्रैफिक वाला, अब हमें मिला है हाईवे, तो अब आ रहा है मजा। भाई साहब खुले रोड देख के ना वीकेंड पे क्या मजा आता है ना भाई, ये फीलिंग ना मैं आपको फील करवा सकता हूँ, और जब तक आप आओगे नहीं ना यहाँ पर तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो बढ़िया से आइए, मजा करिए वीकेंड का, राइड वाइड करिए बढ़िया सा। अभी लोग पूछते हैं भाई क्यों निकल जाते हो बाइक लेके, भाई यही 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 फीलिंग आती है, यही जिसके लिए हम निकलते हैं। सुकून तो भाई साहब बस पहाड़ों में ही है यार, पक्की बात है। देखो क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यार, शानदार, हर तरफ हरियाली, और हम जा रहे हैं ऐसे ही सुंदर रास्तों से। और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक एक बढ़िया सी राइड मिलने वाली है आपको। अभी बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है, आपने देखा है कास, कास प्लेट्यू, कास पठार, जहाँ पर क्या है साल के इस समय में ये कुछ 2 से 3 महीनों में बहुत ही बढ़िया खूबसूरत फूल आते हैं वहाँ पर, बहुत ही अलग अलग प्रकार के। तो हमारा प्लान बन गया है, नेक्स्ट वीक हम जा रहे हैं कास, बढ़िया से राइड करके जाएंगे, लगभग 130 किलोमीटर की वन साइडेड राइड रहेगी पुणे से। तो आप लोग बने रहिएगा, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि वो आपसे मिस ना हो। मज़ा आने वाला है बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे ही नेचर की गोद में हम लोग घूमते हैं और आपको घुमाते हैं भाई साहब। यही रोड आगे जाके भीमाशंकर जाएगा, भीमाशंकर के लिए आपको लेफ्ट लेना है यहाँ से। मन तो करता है कभी कभी ना ये पहाड़ों पे कहीं पे अगर थोड़ी ज़मीन अमीन मिले, थोड़े से भी प्लेन जगह पे, तो थोड़ी ज़मीन खरीद लूँ सब कुछ बेच बाज के और यहीं पे रहूँ पूरे 5-6 महीने जब तक मानसून में ऐसा होता है ना। और बारिश भी चालू हो गई है, इंद्रदेवता ने माहौल बना दिया है पूरा कि भाई आए हो तो फुल एंजॉय करो, फुल फील करो मानसून का और इस खूबसूरत नज़ारे का। मात्र 100 किलोमीटर आप पुणे शहर की भीड़ भाड़ भाग दौड़ से यहाँ आओगे ना, तो आपके हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे ये जगह देख के। देखो आप, ये है रियल महाराष्ट्र, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। वाह वाह वाह, ओ वाह वाह वाह, खुद से ही खो जाओगे भाई साहब आप यहाँ पर आके। वाह, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ हो, अल्टीमेट जगह, अल्टीमेट। ओ भाई साहब आराम से आराम से, क्या सर मतलब ये जगह छूटी रह गई बारिश में अपने से है? वो तो आ गए अभी ले आया मैं, नहीं तो रह जाते हैं। बहुत बढ़िया, अल्टीमेट, बहुत बढ़िया मौसम, बहुत बढ़िया, देख रहे हो पूरा चारों तरफ ना एकदम फॉग ही फॉग है, भयंकर फॉग। पर्टिकुलर प्लेस का नाम लोकेशन में दे दूंगा, अभी क्या इंटरनेट बंद हो गया है लेकिन मैंने मैप में मार्क कर लिया है, आपको इसकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे दूंगा जिससे आप ना इसको ढूंढ पाओगे आसानी से। ये देखो
ये पूरा नीचे घाट वाट एरिया है और ये रोड है। ये और भी काफी लोग आए हुए हैं घूमने के लिए। चीजें दिख रही है एक पल में और एक पल में गायब हो रही है। भाई साहब क्या पुराना सा रोड रोलर खड़ा हुआ है, मस्त वाला। अब देखो ये स्टार्टिंग ही इतनी खूबसूरत है ना, तो आगे तो बहुत ही मजा आने वाला है। भाई साहब ये रास्ता देख लो आप, यहाँ से जाने का मन ही ना करेगा आपका, इतनी बढ़िया जगह है। ओ हो 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 किस जोन में चले जा रहे हैं भाई सब, हम किस जोन में। देखो आप, बेस्ट है यार ये, बेस्ट है मानसून का, मैं बोलूँगा इस पूरे मानसून का बेस्ट है ये। इसी के लिए भाई सब मालसेज फेमस है, इसी के लिए। इस तरह का मौसम आपको कंटिन्यू मिलेगा, इस तरह का माहौल एक्चुअली। वंस इन अ सीजन बनता है यहाँ पर आना भाई साहब, वंस इन अ सीजन। और अगर आप कहीं दूर रहते हो तो वंस इन अ लाइफ टाइम आना बनता है यहाँ पर। और ये छोटा सा वाटरफॉल, बहुत ही सुंदर वाटरफॉल, मस्त। अरे नहाना है क्या आशुतोष? नहाना है। पर यहाँ पर ही हम नहीं रुकेंगे, हम और अंदर जाएंगे, और अंदर जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे खूबसूरती। एकदम डिफरेंट जोन ही चेंज हो जाता, मतलब स्विच जैसे रहती ना, एक आपका मोड है डेली, आप जो 5 दिन आपकी लाइफ बिताते हो ऑफिस वर्क में, और एक स्विच ऐसे फ्लिप किया वीकेंड मोड। वीकेंड मोड वैसा वाला नहीं, पार्टियाँ वार्टियाँ कर रहे हैं बाहर जाके, भाई वो तो मुझे पसंद नहीं है, लिटरली मैं बताऊँ ये पसंद है मुझे। ये मोड ऑन होना चाहिए हर किसी की लाइफ में भाई साहब वीकेंड को, तो मज़ा है शानदार। ओह वाह वाह वाह, काफ़ी लोग आते हैं यार, काफ़ी लोग आते हैं। और यहाँ तो ओ माय गॉड, लुक एट दिस, लुक एट दिस, ये बोगदा है पूरा, क्या व्यू आ रहा है यहाँ पर भाई साहब, गजब। फॉलो मी, वाह 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 वाह। ओ भाई साहब बीच में मोटी मोटी बूंदे गिर रही हैं। इसके पार क्या होगा, लेट्स सी। ये ऊपर से ना पूरा पानी वाटरफॉल जैसे गिर रहा है। सही, वाह वाह वाह, एक नंबर जगह भाई आशुतोष भाई, एक नंबर जगह, ग्रेट। पानी के नीचे से जाऊंगा मैं। थोड़ा सा ही है हालांकि, लेकिन जाऊंगा जरूर ये। वाह वाह, जय दद्दा। ये पूरा ना बारिश जब तेज रहती है ना, तब पूरा पानी गिरता है यहाँ पर और उसके नीचे से आप निकलो। और ये लाल कबूतर, लाल कबूतर। यार ऐसा ही कुछ कुछ निकल जा रहा है मेरे मन से एक्साइटमेंट में। बहुत ही बढ़िया जगह, रास्ता खराब है थोड़ा सा, वो ध्यान देना पड़ेगा आपको, बाकी नजारे अल्टीमेट। झरना झरना, वाह 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 वाह, झरना। चलो आगे ब्रिज जैसा दिख रहा है वहां रुकते हैं। आगे और है, और है आगे, ग्रेट। उवैद सर कहाँ रुक जा रहे हैं? दिख नहीं रहे भाई, देखो फॉग में घूम ना जाए। अल्टीमेट मतलब डांस होते जा रहा है धीरे धीरे। वाह क्या बात है, शानदार।
ये वाटरफॉल यहाँ पर भी एक है, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है भाई, बहुत बढ़िया। ओ वाह सही है। दोस्तों अभी तक यहाँ पर आए नहीं हो आप तो आपको बिल्कुल आना बनता है, क्योंकि जो चीज मैं आप दिखाने वाला हूँ ना आपको आपको मंत्रमुग्ध हो जाओगे। स्टिल गरम है। ऐसी जगह पे चाय मिले क्या बात, पकोड़े चाय पकोड़े पकोड़े नहीं है बड़ा पाव है। नहीं 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 दैट्स फाइन, चाय मिल गई ना मतलब क्या बोलते हैं अमृत मिल गया हमको अमृत।